भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केप टाउन के न्यूलैंड्स में खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच भारत के लिहाज से काफी नाजुक स्थिति में है। भारतीय टीम के 7 विकेट जा चुके हैं और टीम की बागडोर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के कंधे हैं। आपको बता दें, जहां भारतीय टीम के बड़े बड़े बल्लेबाज क्रीज पर टिकने में असफल रहे, पांड्या ने अपना धैर्य बनाए रखा और 100 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। आपको बता दें, फिलहाल भारतीय पारी क्रीज पर जूझ रही है और अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले वक्त में मैच का क्या नतीजा निकलता है। स्पोर्ट्स आर की रिपोर्ट।